सो मैं आपको बोलूं क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो, तो आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो देख ही नहीं सकते। बट आप रॉन्ग हो, आप दीवार के आर पार भी देख सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर एक गैजेट आता है जिसको जेवियर 1000 बोलते हैं। तो वो गैजेट आपको अपने दीवार के इस पार ही इंस्टॉल कर देना है, ऐसे वो स्टैंड की तरह होता है, उसे बस खड़ा कर देना और वो अपने रेडियस से ऑब्जर्व कर लेगा कि दीवार के उस पार है क्या, आपको बिल्कुल सही सटीक आंसर बता देगा। 99% चांसेस है कि वो बिल्कुल सही आंसर बताए कि दीवार के उस पार ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये खड़ा है, ये या टेबल है, ये इंसान है। तो ये बनाया किसने था, ये बनाया था इसराइल ने अपने सोल्जर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसी कूल और इंटरेस्टिंग जो गैजेट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, इसराइल ने कैसे कर रखा है और इंटरनेशनल मार्केट में इसराइल की टेक्नोलॉजी का भाई क्या इमेज है। मतलब लोग अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ऐसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं, रसिया हो गया या इंडिया हो गया, ये इसराइल को टेक्नोलॉजी में क्या समझते हैं, इसराइल ने क्या ऐसा फोड़ रखा है टेक्नोलॉजी में जो कि बहुत कम कंट्रीज कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन इस बारे में बात करेंगे और एक यहाँ पर मैं बात ऐड करना चाहूँगा जो कि अपन ये बात नहीं करेंगे इसराइल के वॉर के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसराइल और फलस्तीन के ऊपर अपन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, भाई इसराइल ने टेक्नोलॉजी में क्या हासिल कर रखा है। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड देन लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बोला था कि अपन सिर्फ और सिर्फ इसराइल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले जो गैजेट आता है वो बहुत अमेजिंग गैजेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इंट्रो में कि इसराइल ने एक ऐसा गैजेट बना रखा है जिसकी मदद से आप वॉल के दीवार के आर पार देख सकते हो इजीली। तो उस गैजेट का नाम है जेवियर 1000। आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो इजीली और वहाँ पर आप देखोगे जेवियर 1000 है, इसका अपडेटेड वर्जन भी उन लोगों ने बना रखा है। तो जैसे हमारे पास फ़ोन होता है ना, फ़ोन का अपडेटेड वर्जन, जैसे आईफोन है अभी 15 चल रहा है, फिर उसके बाद 16 आएगा, उसका अपडेटेड वर्जन आएगा। तो वैसे ही इस गैजेट का भी अपडेटेड वर्जन इसराइल वाले लाते रहते हैं। तो इसको बनाया किन ने था, इसके बारे में बात करते हैं। इसको बनाया था इसराइल कैमियो टेक ने, मतलब ये एक कंपनी है जिन्होंने ये बनाया हुआ था। ऑब्जेक्ट जैसे कि दीवार के उस पार ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको बिल्कुल सटीक, जैसे मैंने बताया था कि 99% चांसेस है कि बिल्कुल सही बताए कि ये ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी वो बहुत ही सटीक है। तो ये कुछ ऐसा ये फर्स्ट इक्विपमेंट था इनका। अब बात करते हैं सेकंड इक्विपमेंट की, जो कि सेकंड इक्विपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में, ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा इसराइल के साथ, क्या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको डेटा कैरी करना है इजीली, मतलब लाइक अपना जैसे मेरी वीडियोज़ हो गई जैसे, या कुछ भी डेटा आपको कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं राइट। तो ये पेन ड्राइव बनाया किसने, इसराइल वालों ने बनाया था। आप बिल्कुल करेक्ट हो, यूएस वालों ने नहीं बनाया था, इसे इसराइल वालों ने बनाया था। आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आप यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि इसराइल ने ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव का इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं थर्ड इन्वेंशन, जो कि भाई इससे भी बेस्ट लेवल इन्वेंशन है, वो ये है। आपने गूगल मैप्स का नाम जरूर सुना होगा और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपने यूज़ ज़रूर किया होगा। तो बट आपको पता है कि ये बनाया किसने था, आइडिया किसका था, ये सबसे पहले किस लोगों ने बनाया था। इसराइली एंटरप्रेन्योर यहूद साबदाई एंड आमिर सिनार एंड यूरी लेविन, ये तीन लोग थे जिन्होंने ये बनाया था, क्या वेज रियल टाइम ट्रैफिक रिपोर्ट्स। मतलब कि ये अपने इसराइल में इन तीनों लोगों ने बनाया था, क्या कि भाई मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, या फिर मैं एक जगह से दूसरे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूँ तो ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक रिपोर्ट्स बेसिकली बताना होता था कि यार यहाँ पर इस रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, दूसरा रूट ले लो। तो ये सबसे पहले किन लोगों ने बनाया था, इसराइल वालों ने ही बनाया था। बाद में इसे गूगल ने खरीद लिया और फिर गूगल मैप करके बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये भी जो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं वो किन लोगों ने बनाया था, इन्हीं लोगों ने बनाया था यार। ये मतलब मैं बोल सकता हूँ ये नेक्स्ट लेवल के मतलब इन्वेंटर्स हैं इसराइल वाले। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि स्निप, ये मुझे पर्सनली बहुत सही है। ये मतलब ये कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल की तरह होता है, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल वैसे ही होता है, बट इसके अंदर कैमरा वैमरा होते हैं, इमेज आप देख सकते हो। तो इसमें है क्या, इसमें ये है कि आपके ये अंदर खा लोगे और सारी बीमारी, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि ब्लड कैंसर है या फिर बहुत सारी चीज़ें, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर या फिर बहुत सारी बीमारीज हैं वो पता लगा सकता है इजीली। और इसको बनाया था 2014 में
नील पेलेंट, इसको स्निप फोन बोलते हैं, कि बेसिकली ये सब कुछ एनालाइज कर लेता है आपके अंदर का, भैया मामला सही है या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो वो सब कुछ बता देगा, भैया ये चीज़ गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि इसराइल डोम डिफेंस मिसाइल। होप सो आपको पता होगा इसके बारे में, तो डेफिनेटली सुना होगा कि ये एक ऐसे डिफेंस सिस्टम है कि इनके ऊपर आप अगर बम फेंकते हो तो इनका डिफेंस सिस्टम उस रॉकेट को, जैसे आपने रॉकेट फेंका तो इनके रॉकेट डिफेंस सिस्टम इसके रॉकेट को हवा में ही उड़ा के नष्ट कर देंगे, ऊपर ही ऊपर, समझ रहे हो? तो ये इनका डिफेंस सिस्टम था। बट होपफुली कि आपने सुना होगा ये न्यूज़ कि अभी गाजा ने इतने सारे मिसाइल फेंके थे कि इनका ये डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था, मतलब उतने हैंडल नहीं कर पाया था, तो वो भी चीज़ है। बट हाँ, ये एक सक्सेसफुल डिफेंस सिस्टम था, बट अब देखो शायद इसको और इम्प्रूव करें ये लोग, मुझे तो उम्मीद है कि डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि इनका दिमाग बहुत खतरनाक चलता है। और अब नेक्स्ट एक और बात करते हैं, जो कि 3D प्रिंटेड हार्ट। तो आपने देखा होगा मे बी सोशल मीडिया पे कि यार जो हमारा दिल है ना, इसका जो 3D प्रिंटेड है वो भी इसराइल वालों ने सबसे पहले बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मेडिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट थे उनको अच्छे से और अच्छे से रिसर्च कर पाए, उसको और अच्छे से टेस्ट कर पाए, उन सब चीज़ों के लिए बनाया था। और आप इमेज भी देखोगे तो बिल्कुल लगेगा भाई रियल है, बिल्कुल रियल वाला रख दो और ये वाला रख दो तो मतलब 19-20 लगता है, बट हाँ देखने में बहुत औसम लगता है। और इसराइल वालों ने ही बनाया था मेडिकल अपने यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे से हार्ट को एनालाइज करने के लिए। तो होप्स आपको समझ में आएगा। और आप मुझे ये बताओ कि सबसे कूल जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो इनका इन्वेंशन है, वो कौन सा है? चाहे वो गूगल मैप हो, चाहे वो एक दीवार से दूसरी दीवार के आर पार देखने का हो, तो आप मुझे वो बताओ कि सबसे कूल और इंटरेस्टिंग गैजेट इनकी तरफ से आपको कौन सा लगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, और आपका कोई भी कमेंट है, सजेशन है या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।